यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। यूट्यूब पे भी फाड़ दी, मेरा नाम हर्ष चौहान। व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, तो आज आशीष भाई की जीप कंपस खड़ी है एंड इसमें हम लोगों ने एसेसरीज इंस्टॉल करी हैं। बेसिकली मोहित भैया ने करी हैं एसेसरीज इंस्टॉल। तो आज मैं आपको सारी एसेसरीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सी एसेसरीज हैं आपको लगवा सकते हैं इस गाड़ी में, और लाइट से लेके क्रोम वर्क एंड बहुत कुछ हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो लाइट की इसमें जो इंस्टॉलेशन हुई है, इसमें वारंटी वॉइड नहीं हुई, सारा कपलर टू कपलर काम है। तो वारंटी वॉइड वाला आप इशू के बारे में मत सोचिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। मोहित भाई, आप बताएंगे कि क्या क्या इंस्टॉलेशन करिए। तो मोहित भाई, सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं। जो इसका प्रोजेक्टर था इसमें येलो बल्ब आता है, ठीक है। इसमें मैंने ओसराम की जेन्युइन एचआईडी लगाई है, ठीक है, जो बेंगलोर जगुआर गाड़ी में आती है, देखिए, ठीक है, मेरी हाँ। और विदाउट वायरिंग कटिंग के प्लग इन प्ले सिस्टम हिसाब बना के लगाई है। ये कि मैंने डीआरएल लगाई है, ये मैट्रिक्स इंडिकेटर है, मर्सिडीज टाइप जो गाड़ियों में आता है, ये देखिए, ठीक है, मतलब ड्यूल है, डीआरएल भी है और इसमें इंडिकेटर्स भी हैं, ठीक है। तो मोहित भैया, इसमें भी कटिंग कहीं पे नहीं होगी वायर की? कपलर टू कपलर है सारा का, ठीक है, वायरिंग कटिंग नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या लाइट का काम हुआ है? दूसरा हमने ये लाइट का करा, ये पिलर लाइट लगाई है इसमें हमने, ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे फॉर्च्यूनर में भी आती है शायद से ना, पिलर स्टाइल में भी आती है, इको स्पोर्ट्स में भी आती है, ये देखिए। इसमें भी कोई वायरिंग कटिंग नहीं है, प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाया है, ठीक है, कोई वायरिंग नहीं कट हुई है इसमें, तो वारंटी वॉइड वाला कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। तो लाइटों में ये हो गया था भैया, आप क्रोम वर्क दिखा देंगे? और भैया को दिखा के करा था, हाँ। सो ये आशीष भैया, इन्हीं की जीप कंपस है ये, और इन्हीं को दिखा के करा था कि भैया कोई आपकी तार नहीं कट रही, प्लग एंड प्ले सिस्टम है आपका, ठीक है। मोहित भाई, आप इंटीरियर के बारे में बात करें तो क्या क्या इंटीरियर में सिल्वर आता है कंपनी से, ठीक है, कुछ पार्ट में, ठीक है, जैसे देखिए ये अंदर का लीवर है, ठीक है, ये सिल्वर है, इसका हमने ऊपर का पोर्शन सिल्वर लगाया है, ठीक है, ये जो साइड मिरर का, हाँ, ये ठीक वाला, ठीक है, ठीक है, एक हमने ये लगाया है सिल्वर, ठीक है। अगर इसकी लोअर मॉडल होती तो उसमें इधर ये जो सिल्वर है स्पीकर के इधर, ओके, ये ब्लैक आता है, ठीक है, लेकिन ये टॉप मॉडल है इसमें सिल्वर आता ही है, ठीक है, ठीक है। एक ये लगाया सिल्वर, एक ये लगाया हमने, ठीक है, यहाँ पे भी सिल्वर करा है, यहाँ पे भी सिल्वर करा है, एक ये सिल्वर करा है, ये ग्लास होल्डर की, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये लगाया हमने सिल्वर में, ठीक है, एक ये ऊपर का पोर्शन लगाया, ऐसे इधर लगाया है, ठीक है। तो मोहित भैया, हमने लाइट्स देख ली एंड इंटीरियर देख लिया, तो आप बाहर क्रोम वर्क्स बता देंगे कि आपने क्या क्या करवाया क्रोम वर्क में? सिल्वर का इसका मूछ लगाई है, कितनी प्यारी लग रही है, राउंड शेप में, ठीक है, बात से दिखा देंगे कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल जेन्युइन लुक की तरह। और ये जो क्रोम की आइटम लगाई है, ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, इससे बेस्ट आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बिकॉज हमने देखा इशू की, अगर हम कई बार बाहर से लगवाते हो तो उस पर रस्टिंग का इशू आ जाता है, जंग लगने लगा। एक ये सिल्वर की बीडिंग लगाई है हमने, ठीक है, पूरी पूरी विंडो गार्निश लगाई है, एक ये आपने साइड में भैया, ये विंडो गार्निश लगाई है क्रोम की है, ठीक है, कभी रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगी, आप देख सकते हैं चारों तरफ की लगाई है, ठीक है, फिर उन्होंने डोर वाइजर लगवाए हैं क्रोम बीडिंग वाले, ठीक है, ठीक है। एक ये हमने क्रोम की आइटम की लगाई है नीचे, ठीक है, ठीक है, इतने क्या है, लुक बड़ी अच्छी लग रही है। एक टिक्की में लगाई है, एक क्रोम का हैंडल ये लगाए हैं, ठीक है, ठीक है सर। एक ये लगाया हमने पार्ट,
इससे क्या होता है जैसे हम कोई सामान निकालते हैं तो बॉडी पे स्क्रैच ना, बॉडी पे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे और लगा हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टर की क्रोम लगाई है। इस पे भी रस्ट नहीं आएगा कभी, ये भी एज इट इज रहेंगे। एक डिक्की की बीडिंग लगाई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम वर्क हुआ है, यहाँ पे भी जो जीप का लोगो है उसके एकदम नीचे ही, और ये क्रोम का हैंडल लगाया है जिसपे आपका कोई निशान नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। सो मोहित भैया, क्रोम के अलावा इसमें और क्या क्या हो सकता है? ये देखिए स्पोर्ट्स लुक के लिए हमने ये लगाया है। ठीक है, साइड में काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक वो स्टेप लगाए हैं, ये फुट स्टेप, आप ये देख सकते हैं फुट स्टेप है, बिकॉज कई बार होता है ऐसा है कि छोटी हाइट के होते हैं तो उन्हें चढ़ने में दिक्कत होती है, सो ये फुट स्टेप काफी काम आते हैं उसमें। और ये बढ़िया क्वालिटी के बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के हैं, दिखा रहे हैं। ये आशीष भाई है एंड इनकी पीछे जीप कंपस खड़ी आप देख सकते हैं। तो आशीष भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप दूसरी शॉप्स पे गए थे तो आपसे कितना रेट मांगा गया था? भैया उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे रेट बोले थे, लेकिन मैं पहले भी अपनी i20 में काम करवा चुका हूँ भैया से। ठीक है, तो मेरे को उनके रेट भी रिजनेबल लगे और काम भी अच्छा लगा। i20 में हेडलाइट लगवाई, i20 की हेडलाइट्स चेंज करवाई थी। ठीक है, उसमें HID वगैरह लगवाई है थोड़ा। तो आप कुल मिला के ओवरऑल सेटिस्फाइड है ना जो मोहित भैया ने काम करा है? बिल्कुल। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम दूसरी गाड़ियों की बात छोड़ेंगे, जो आशीष भैया की गाड़ी है कितने की भैया? 28 लाख की ये गाड़ी है। 28 लाख की गाड़ी में कोई बिना सोचे समझे काम कभी भी नहीं करवाएगा, अगर कोई डुप्लीकेट काम करता होगा तो उसके पास कभी भी कोई नहीं जाएगा। तो आशीष भैया के पास दो गाड़ियाँ, एक जीप कंपस है एंड दूसरी i20 है, तो दोनों में उन्होंने मोहित भैया से ही काम करवाया है। इतना सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं मोहित भैया को जानता हूँ या ऐसा, इतना सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है कि डुप्लीकेट लाइट्स हैं, चोरी की लाइट्स हैं, ये लाइट है वो लाइट है, उससे सिर्फ मोहित भैया की इमेज नहीं मेरी इमेज पे भी लाइट होती। तो भैया मेरे को 2 साल हो गए अभी तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं आई है। और एक बार बस थोड़ी सी दिक्कत आई थी, भैया ने ठीक बिना किसी कॉस्ट के उसे ठीक रिप्लेस करके दिया था। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। इनकेस कुछ दिक्कत, ना कोई वायर कटिंग करी ना कुछ किया, और मैं कंपनी में भी गया था, उन्होंने कोई वारंटी लैप्स नहीं करी, कुछ नहीं की। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं ओवरऑल सेटिस्फाइड है इन भैया के काम से। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। मोहित भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे ही मोहित भैया।